नमस्कार साथियों, आज मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा। एक आदमी एक तरीके से रो रहा है, एक वीडियो में रो रहा है, दूसरे वीडियो में थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है। जी हाँ, दो वीडियो पहले पूरा देखिए, देखने के बाद हम आगे और बात करेंगे। इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें है, वीडियो को पूरा देखिए। मेरा बच्चा 7 साल से गायब है, कोई आता पता नहीं है, ना उसका फोन है ना और है। मैं परेशान हूं और दुबई गया था, दुबई से अभी तक कोई संचार नहीं उसका। हेलो भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बच्चा मिल गया है। मेरा बच्चा मिल गया है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी आपकी मदद बहुत की, हमारी बहुत हेल्प की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पूरा स्टाफ को पूरा शेयर करे और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। अब मेरा लड़का मिल चुका है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो देखा आपने वीडियो, क्या समझ में आया आपको? यह है सोशल मीडिया की पावर और आप लोगों की पावर। जी हाँ, सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने वीडियो देखा और उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि शेयर कीजिएगा। जी हाँ, मैंने बोला था ना कि एक शेयर कहीं ना कहीं पिछड़े हुए बेटे को अपने बाप से मिला सकता है। और हजारों लोगों ने, हज़ार से प्लस लोगों ने, बता दूं लगभग 1500 के करीब लोगों ने फेसबुक पे इसको शेयर किया, यूट्यूब पे भी इन लोगों, आप लोगों ने इनको शेयर किया और ये बच्चा मिल गया। जी हाँ, मोहम्मद खालिद मिल चुका है अपने, जी हाँ, घर पे बात हो चुकी है फ़ोन पे। अब कैसे बात हुई, मैंने इनसे बातचीत की तो पता लगा कि कोई यूपी का कोई बंदा रहता था दुबई में। जी हाँ, और वो अब जो वीडियो मैं डालता हूँ आप लोग सब देखते हैं, वो भी इसी तरीके से देख रहा होता है। तो जैसे उनके सामने बच्चे की फोटो आई रही है, वीडियो उनके पर लगा, तो उनको लगा कि यार ये बंदा तो मेरे पास के पड़ोस में मकान में रहता है, यानी यहाँ इस मकान में ये बंदा वीडियो देख रहा था, पड़ोस में मोहम्मद खालिद जी हाँ रहता था। तो उसने फिर नंबर मैंने वीडियो में आप पता है आपको लोगों को दिए थे, उसने घर पे बात करी तो बात करने पे पता लगा कि पहचानने पे नहीं आया। एक बार तो बड़े बड़े बाल, मतलब यार 6-7 साल कम नहीं होते भैया, में बच्चा जन्म के 6-7 साल का हो जाता है, मतलब एक तकड़ा सा बच्चा बन जाता है वो, तो बच्चा कैसे पहचानेंगे, तो थोड़ा कन्फ्यूज था। फिर बातचीत हुई तो वो पहचान गया, एग्री हो गया कि हाँ ये मेरा बच्चा है, आपस में घर वालों की बात हो गई। तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया मैसेज, मुझे कैसे पता चलता भाई, उन्होंने बाकायदा एक वॉइस छोटी मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप लोगों के जो जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है उन लोगों को धन्यवाद कि मेरा बच्चा मिल चुका है, दुबई में है। अब उनके पास पासपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट भेज दिए गए हैं एम्बेसी में, 1-2 तारीख से शुरुआत हो जाएगी, 15 दिन के अंदर बच्चा घर आ जाएगा आउट पास बना के। जी हाँ, ये ताकत है आप लोगों की और सोशल मीडिया की। जी हाँ, घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी, अब पता नहीं मेरा नंबर कैसे मिला, उन्होंने उम्मीद जगी, मेरे को कॉल किया, मैंने वीडियो बना के डाला, आप लोगों ने सपोर्ट किया और बच्चा 7 दिन में घर मिल गया। 7 दिन में बच्चा मिल गया उनको, 7 माह बच्चा 7 दिन में मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो आप लोगों को भी धन्यवाद है कि आप लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया और वीडियो को शेयर किया। अगर ये प्रॉब्लम और भी किसी भाई के साथ है तो बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है और एक से एक नहीं, 1 से 11 बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का बाप गुम जाता है, किसी का भाई गुम जाता है, किसी का चाचा गुम जाता है। तो ये आप एक अच्छी बात, एक मुहिम होनी चाहिए कि भाई किसी को घूमे, विदेशों में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं भाई, बहुत सारे घूम रहे हैं, यकीन मानिए। कि मेरे खुद के गांव का मलेशिया में एक परिवार में था जो लगभग 28-29 साल के बाद में पहुंचा था, 28-29 साल कम नहीं होते भाई, यानी जिनके बच्चे छोटे छोटे थे, उनकी शादी हो गई थी और उनके बड़े बड़े उनके बच्चे हो गए थे, आप सोचिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत आती है। एक सीकर में भी, एक कल परसों में न्यूज़ देख रहा था, रिंग साइड में 12-13 साल से वो गायब है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। अगर आप सीकर के आसपास के हैं, ऐसी कोई स्थिति है तो आप क्लियर कीजिए, एविडेंस दीजिए, ताकि हम कोशिश करें कि भाई मिल जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत बड़ी और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। तो आप लोगों को पुनः धन्यवाद है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना है तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, कोशिश हम पूरी करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।